गायत्री मंत्र हम लोगों को क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ये प्रकृति में दो तरह की ऊर्जा काम करती है, पॉजिटिव और निगेटिव। एक तरफ प्रकाश है, दूसरी तरफ अंधेरा। एक निषेधात्मक, एक विध्यात्मक। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धन और ऋण, यह दो तरह का ऊर्जा इस संसार में काम करता है। यदि हमको आगे बढ़ना है, यदि हमको तरक्की करना है, हमको विकास की ओर जाना है, तो हमको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। एक तरह का ऊर्जा के बिना संसार में कुछ नहीं चलता है। और विज्ञान के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, ऊर्जा का परिवर्तित रूप। जैसे ठोस है, द्रव है और गैसीय अवस्था है। पदार्थ का क्या हुआ कि जमा हुआ बर्फ है, इसलिए एक जगह पदार्थ के रूप में, लेकिन पिघल गया तो पूरा फर्श पर फैल गया, द्रव रूप हो गया, नष्ट नहीं हुआ, केवल उसका स्वरूप बदल गया। लेकिन वही सूर्य के प्रकाश से हुआ क्या हुआ, पानी भाप बन करके गैसीय अवस्था में पहुंच गया, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो एक प्रकृति में जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर फोटो गाड़ी चलती है तो बैटरी का सेल चार्ज करिए, मोबाइल चल रहा है तो उसका सेल चार्ज करिए, यह शरीर को चलाना है तो यहाँ भी एनर्जी की जरूरत है। एक रोटी चावल से मिलता है फिजिकल ऊर्जा, लेकिन एक जो सूक्ष्म ऊर्जा उससे भी अंत नहीं है, जैसे ठोस द्रव गैसीय अवस्था का। तो वो सकारात्मक ऊर्जा जो प्रकृति में प्राण भरता है, एक वृक्ष के अंदर भी एक ऊर्जा काम कर रही है। इसलिए देखिएगा, इतना बड़ा छोटा सा ईख का टुकड़ा डालते हैं और 6 महीना में जिसमें 2 बूंद रस था मीठा, वो 1 लीटर रस उससे निकल रहा है। उसी के बगल में मिर्च है तो कितना तीता लग रहा है। अपने अपने गुण धर्म के अनुसार वो उस ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है और फिर उसको विस्तारित कर रहा है, 1 दाना से 1000 दाने। तो यहाँ हर चीजों के लिए संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। वृक्ष वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा कर रही, विज्ञान का मशीन सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने वाला सोलर प्लेट रख देंगे तो रात में बैटरी चार्ज होगा। प्लेट वहां है और बैटरी घर के अंदर, जब तक कनेक्शन नहीं जोड़े तो बैटरी चार्ज होगा। तो सूक्ष्म ऊर्जा, इसी को विज्ञान की भाषा में कर लीजिए कि किसी मित्र को यदि हम व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजते हैं तो यहाँ क्लिक किया वहाँ मैसेज मिल गया, रिसीव कर लिया, लेकिन बीच रास्ते में जो गया तरंग वो तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ क्लिक किया वहाँ मिला। तो उसी तरह जो सूक्ष्म ऊर्जा जो प्रकृति के गर्भ में है, सभी अपने अपने स्तर से, फूल को भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, रात में उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ी हुई लेकिन सुबह सूर्य का प्रकाश पाकर खिल जाता है। तो हम ये इस पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक विध्यात्मक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र ये पूरे ब्रह्मांड की एक गतिविधियां संचालित है, और सभी अपने अक्ष में उस ऊर्जा को पाकर के अपने कर्तव्य कर्म पर डटा हुआ है। लेकिन जिसको इंसान कहते हैं, जो इस पूरे सृष्टि जगत का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये संसार का बगीचे का महत्वपूर्ण माली है, और उसको ही यदि सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिले, उसके अंदर अगर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार नहीं हो तो मनुष्य का जीवन ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए देखेंगे बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जानते हैं, स्वेट मॉडर्न का नाम आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन जो बेचारे को पढ़ने के लिए अखबार का पन्ना जलाते थे और वहाँ जो रोड पर कूड़ा कचरा जलता है उसी के सामने वो पढ़ाई करते थे, कलाम साहब अखबार बेचते थे, विवेकानंद की स्थिति 10,000 की नौकरी के लिए कोलकाता की गलियों में घूम रहे थे, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, वकील थे उनके पिताजी की, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी तो अपने बहन का। लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के जीवन में जनरेट करता है, जब पॉजिटिव ऊर्जा से उसका अंतरंग जुड़ जाता है, तो कल तक जो भरतराज था, जो कल तक कमजोर था, जो कल तक दीनहीन था, जो अपने आप को गया विद्रा समझ रहा था, जो समझ रहा था हम संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का जो महाविज्ञान है, जिसका रिसर्च परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने किया, उस महामंत्र का नाम है गायत्री। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, ये कहिए वसु सर्पों में वसु की शेषनाग हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, ग्रहों में मैं सूरज हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, प्राणियों में मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मंत्रों में क्या हूँ, महामंत्र गायत्री हूँ। जिस तरह मोबाइल का नंबर हो, जिनका नंबर हो उनसे हमारी बात होती है, तो गायत्री मंत्र इस ऊर्जा के जो सोर्स है, इस प्रकृति घटक में पूरे ब्रह्मांड जो ऊर्जा जनरेट कर रहा है, एक पुष्प को खिलने के लिए जो मजबूर कर रहा है, जो प्राण प्रकाश दे रहा है, प्रकृति के घटक चींटी में भी जो चेतना पैदा कर रहा है, हाथी के अंदर भी चिंगार पैदा कर रहा है, वो इसका इनकम सोर्स, उस ऊर्जा का जो मूल स्रोत है
वो गायत्री मंत्र के देवता कौन है? सविता है, सूर्य है, और उन्हीं का चीफ हम लोगों के अंदर है। जब हम प्रतिदिन 20 मिनट तक एकाग्र होकर मेडिटेशन के माध्यम से इस ब्रह्म मंत्र में जहाँ हमारी माताएं पहले बिंदी लगाती है या चंदन लगाती है, थर्ड आई है, और जब गायत्री महामंत्र का हम लोग मानसिक जप करते हैं और सूर्य का ध्यान करते हैं, तो हमारी ब्राह्मी कमल खिलने लगता है और हमारा मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर में बदल जाता है। हमारा मस्तिष्क का पावर बढ़ जाता है, जो 4 GB का एनर्जी हमारे पास है वो 8 GB में बदल जाता है। 8 GB वाला 12, 16 GB, फिर 32 GB, और फिर धीरे धीरे यदि आपका सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान जारी रहा तो हमारे जैसा आपका भी 64 GB में बदल जाएगा। ये प्रकृति में ज्ञान और विज्ञान सूक्ष्म रूप से बड़ा पड़ा, जो शब्द बोलते हैं नष्ट नहीं होता है, वो क्या है, इधर जा करके लॉर्ड है प्रकृति में। तो ये प्रकृति में पॉजिटिव ऊर्जा को धारण करने का जो विज्ञान है, जो माध्यम, उसी का नाम है गायत्री महामंत्र। और इसलिए हर रविवार पर लोग यहाँ मेडिटेशन के माध्यम से उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को जब सकारात्मक रूप से करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं, धियो यो ना मतलब हम सब की, केवल गायत्री मंत्र नहीं करा है, केवल हमारे, हम सब की। और उसमें अगर 100-200 विद्यार्थी जब एक साथ मिल करके हम लोग 20 मिनट तक गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, तो वहाँ एक बहुत पॉजिटिव और संगठित हो जाता है। तिनका अकेले है वो टूट जाएगा आसानी से, लेकिन वह तिनका को बीन करके मोटा रस्सा बना दे, तो देख लीजिए सेंटिंग के 20 तल्ला बिल्डिंग में उसका यूज होता है, लेबर लोग चढ़ता है, टूटता है, क्योंकि मजबूत गांठ बन गया। उसी तरह से ऊर्जा का एक लेवल हमारे अंदर है, वह सामूहिक और सकारात्मक रूप से बन जाता है, और उस ऊर्जा को धारण करने का विज्ञान का नाम गायत्री महामंत्र है। इसलिए आप लोग भी PYP झारखंड के माध्यम से निवेदन है कि पूरे लेक्चर में आप लोग नहीं रह पाते, लेकिन मेडिटेशन के समय आप लोग अवश्य जुड़िए। आज के संडे क्लास प्रतिकूल मौसम में हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो आइए सुभावना के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी साथियों को जोरदार ताली के साथ हम लोग धन्यवाद। चलिए आप लोग ऐसे खड़ा हो जाए।